आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब दो भाई अपनी टीम की कप्तानी एक दूसरे के आमने सामने कर रहे थे। एक तरफ कृणाल पांड्या थे तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या। मुकाबले में आखिरकार हार्दिक पांड्या के अनुभव और उनकी स्किल्स के चलते गुजरात टाइटंस की टीम के हाथों शानदार जीत लगी। तो वहीं जीत के बाद अपने भाई को हराने पर हार्दिक पांड्या ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कृणाल पांड्या को हराने के बाद क्या कुछ कहा, जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। प्रतिमा साह के साथ शुभमन गिल शुरुआत से ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि साह ने तेज बल्लेबाजी की शुरुआत करी, लेकिन शुभमन गिल को जहां पर भी मौका मिला उन्होंने बड़े शॉट खेलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि उन्हें स्ट्राइक तो कम मिल रही थी, लेकिन उनका औसत काफी शानदार चल रहा था। शुरुआत में तो 4 छक्के शुभमन गिल ने ठोक दिए थे और चौके लगा ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो छक्कों में ही सिर्फ विश्वास रखते हैं। 82 रन बनाकर साह आउट हुए और उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल 51 गेंदों में खेलने के बाद 94 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे। वहीं उन्होंने फिर एक बार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया और अंत में गुजरात की टीम 227 रन तक पहुंच गई। लक्ष्य का बीजा करने उतरी मेयर्स और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी ने शुरुआत में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी। दोनों ने पलक झपकते ही 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और उसके बाद पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए 70 रन से ज्यादा बोर्ड पर लगा दिए थे। यहां से ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम मुकाबले में वापसी करेगी, लेकिन काइल मेयर्स 32 गेंदों में 48 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद दीपक हुड्डा ने यहां मुकाबले को हराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। 11 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए और ये मुकाबला लखनऊ की झोली से निकलने लगा, क्योंकि अंतिम 6 ओवर में जीत के लिए 107 रनों की जरूरत थी। मार्कस स्टोइनिस और क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे। बता दें कि अंत में कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मुकाबले में महज 171 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। लेकिन गुजरात की शानदार जीत के बाद हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन पर काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला मेरे लिए बेहद खास था, क्योंकि दूसरी तरफ मेरा खुद का भाई कप्तान था और जब आमना सामना दो भाइयों के बीच होता है तो यकीनन अगर हमारी टीम इस मुकाबले को हार भी जाती तो मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा का ये सपना था कि हम दोनों एक दिन अपने देश के लिए क्रिकेट खेलें। आज आईपीएल में जब हम दोनों आमने सामने थे तो दोनों ही टीमों की कप्तानी करते हुए तो पापा ये बात जानकर काफी ज्यादा गर्व महसूस करते, लेकिन हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। लेकिन कुणाल की अच्छी कप्तानी रही, बावजूद उसके हमारी टीम का ये प्रदर्शन मुकाबले में शानदार रहा। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कुणाल अगर इस मुकाबले को हमारी टीम से जीत भी जाता तो मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि वह मेरा भाई है। क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है उसी की जीत होती है और हमारी टीम ने अच्छा खेला इसलिए हमें जीत मिली। इस तरह से एक भाई को लेकर हार्दिक पांड्या ने जो कुछ भी कहा उसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। वैसे आप सभी पांड्या की इस महानता के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।